दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज जो पोस्ट के बारे में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ वो निकला है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का। और जो कंपनी का नाम है मेकॉन लिमिटेड, जो कि एक PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका जो हेड ऑफिस है दोरंदा रांची, तो इसका हेड ऑफिस रांची में है मेकॉन लिमिटेड। इसका पोस्ट निकला है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, ठीक है। जो पोस्ट का पे स्केल है दोस्तों 20,600 टू 46,500, ये पोस्ट का ये रेगुलर पे में है। इसका पोस्ट जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का टेक्निकल का है उसमें है सिविल में 5, आर्किटेक्चर में 1, मैकेनिकल में 8, इलेक्ट्रिकल में 4, इंस्ट्रूमेंटेशन में 1, मेटालर्जी में 2, माइनिंग में 3, कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट निकला है। और इसमें मांगा है डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब वो जो जो डिपार्टमेंट डिसिप्लिन में निकला है वहाँ पे आपका इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनी कॉरपोरेट सर्विस HR 2 पोस्ट है। इसमें मांगा है PG डिग्री, PG डिप्लोमा, MBA, मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW, MA विथ स्पेशलाइजेशन इन HR, पर्सनल मैनेजमेंट, IR, लेबर मैनेजमेंट, ये सब चाहिए। मिनिमम 2 साल का जो कोर्स रहता है वो होना चाहिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग कॉरपोरेट सर्विस HR में। मार्केटिंग में MBA, PG DBM, PG DM और इक्विवेलेंट इन मार्केटिंग 2 साल वाला जो कोर्स होता है MBA मार्केटिंग, 2 पोस्ट है। उसके बाद है कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का 1 पोस्ट, इसमें PG डिग्री, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, मिनिमम 2 ईयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए। तो आप इंजीनियरिंग का किए हैं तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल, और मार्केटिंग में किए तो मार्केटिंग में अप्लाई कर सकते हैं, HR में किए हैं तो अप्लाई में कर सकते हैं, और जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किए हैं तो मास उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक तो दिया है दोस्तों इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन, जो इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है क्या क्या ये चाहिए। जैसे जो जो डिसिप्लिन में निकला है, सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर के लिए आर्किटेक्चर, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो निकला है पोस्ट उसमें अगर कोई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी किया है वो भी अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी किया है तो अप्लाई कर सकता है। वैसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन में कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग वो भी किया है तो अप्लाई कर सकता है। माइनिंग में माइनिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस चाहिए, ठीक है। और ये सब कोर्स जो है फुल टाइम मोड में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका जो CGPA वो जो है उस हिसाब से आपका, जैसे आजकल बहुत जगह पे CGPA रहता है, तो CGPA में आपको डेसिमल के हिसाब से वहाँ पे एलिजिबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेशन किया जाएगा। अपर एज लिमिट है दोस्तों 28 ईयर्स। अच्छा, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क रिक्वायर्ड जनरल के लिए 65%, मतलब जो क्वालिफिकेशन है उसमें जनरल के लिए अगर एलिजिबल होगा 65% मार्क आया होगा, OBC के लिए भी 65% मार्क, और SC ST के लिए 55%, मतलब जो क्वालिफिकेशन वाला मार्क है उसमें आपका जनरल के लिए 65, OBC के लिए भी 65, SC ST के लिए 55। अपर एज लिमिट है दोस्तों 28 ईयर, ठीक है। और कट ऑफ डेट मतलब 31/5/2019 तक ये सब क्वालिफिकेशन आपके पास हो जाना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ डेट फॉर एज एंड प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन, कट ऑफ डेट मतलब अभी इसमें जो है 31/5/2019, तो टाइम है अभी भी कट ऑफ डेट का, ठीक है। अच्छा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनी प्रोजेक्ट लोकेशन ऑफिस ऑफ द कंपनी, जहाँ पे भी इसका कंपनी का काम चल रहा है वहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा। इसका फीस पेमेंट का क्या प्रोसीजर है, आपको 1,000 रुपीज का एक तो ऑनलाइन मोड में डालना पड़ेगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा में, यहाँ पे दे दिया है डिटेल, लालपुर रांची ब्रांच, IFSC कोड, ये सब डिटेल दिया है। और एंड एंटर द ट्रांजेक्शन डिटेल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST पर्सन। अच्छा,
ये जो एप्लीकेशन फीस 1000 का है ओनली फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए है, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए नहीं है। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको ऑनलाइन मोड में बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पे जो डिटेल में दिया है आपको NEFT RTGS करके यहाँ पे डालना पड़ेगा, और जो ट्रांजेक्शन डिटेल है एप्लीकेशन फॉर्म में आपको भरना पड़ेगा। जैसे पकड़ लीजिए आप NEFT करके अकाउंट में डाले तो NEFT का आपका जो रेफरेंस नंबर आता है, जो UTR नंबर आता है, OTR नंबर को आपको एप्लीकेशन फॉर्म में डालना पड़ेगा। बाकी SC ST OBC के लिए उन लोगों का वो ऑप्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है उन लोगों के लिए फीस नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको ऑनलाइन मोड में ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, उसका वेबसाइट में जाना है www.mecon.co.in, उसके बाद जाके आपको करियर में जाना है। तो वेबसाइट का जो एड्रेस है दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वहाँ पर भी जाके इसको देख सकते हैं। अच्छा, 1/12/2019 मैंने पूरा एक महीने का टाइम है, 1/12 से शुरू हो रहा है 2/1/2019, तो आप ऑनलाइन में ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेपथम इंप्रेशन, ये सब तो आजकल सब जगह पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे शायद लेपथम इंप्रेशन नहीं बोला है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर बोला है। और एप्लीकेशन फीस, ट्रांजेक्शन रिसीव्ड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, अच्छा जो एप्लीकेशन पेमेंट किए हैं उसका जो रिसीव आता है, जैसे पकड़ लिया आप RTGS NEFT किए हैं उसका रिसीव को वो स्कैन करके करके अब देना पड़ेगा। तो यही है, नीचे उसका जो ईमेल आईडी दिया है, अगर कुछ क्वारी है तो मोबाइल नंबर भी, लैंडलाइन नंबर दिया है, आप वहाँ पर भर सकते हैं। वन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 1/12/2019, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसीजर है रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है, रिटर्न टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। तो बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है नॉर्मल जैसे टर्म्स एंड कंडीशन रहता है वही है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेकॉन लिमिटेड तो आप देख लीजिए, तो उसका मैं लिंक में छोड़ दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन जो भी है मैंने उसका लिंक, और आप देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।